नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आप देख रहे हैं खास खबर। सुर्खियों में कैसे बने रहना है, ये शायद आज के समय में पॉप सिंगर रेहाना से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। वो इसलिए क्योंकि रेहाना ने जो आज किया है उससे वो पूरे भारत में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल रेहाना ने लॉन्जरी ब्रांड के टॉपलेस फोटोशूट कराया है जिसमें उन्होंने काफी सारी एक्सेसरीज पहनी है, लेकिन उनकी एक एक्सेसरीज पर भारत में काफी आलोचना हो रही है। जानिए ऐसा क्या खास है उनकी एक्सेसरीज में। पॉप सिंगर रेहाना अपने गानों और फैशन सेंस की वजह से काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था जिसकी वजह से वो काफी खबरों में रही। अब एक बार फिर रेहाना चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार वो अपने फोटोशूट की वजह से लाइमलाइट में आई हैं। दरअसल रेहाना ने लॉन्जरी ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट में वो टॉपलेस पोज देती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कई एक्सेसरीज भी कैरी किए हुए हैं। उन्होंने गले में भगवान गणेश का पेंडेंट भी पहना है जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के भी निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैशन सेंस की आलोचना की जा रही है। लोग उनके फैशन सेंस के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये ऑफेंसिव है, इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। सॉरी रीरी, तुमने मुझे निराश किया। वहीं अब इस फोटो को लेकर मुंबई से बीजेपी विधायक राम कदम ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे हैं। राम कदम ने ट्वीट किया, षड्यंत्र के तहत रेहाना ने नग्न अवस्था में भगवान गणेश जी का पेंडेंट पहनकर किया देवताओं का अपमान। क्या अब भी कांग्रेस रेहाना का समर्थन करेगी या विरोध? रेहाना की तस्वीर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मैंने देखा नहीं है, पर भारत में सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही धैर्यवान है, जिसका नाजायज फायदा फिल्म बनाने वाले, एडवर्टीजमेंट बनाने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जिनको जो मन में होता है वो हमारी देवी देवताओं को लेकर कटाक्ष कर जाते हैं। लेकिन कभी कोई दूसरे धर्म का कोई स्केच कर देता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। हमारे यहाँ धैर्य भी है अति सर्वत्र वर्जित। अब परीक्षा धैर्य की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अति सर्वस्त वर्जित होता है। बता दें, इससे पहले भी रेहाना विवादों में रह चुकी हैं। रेहाना ने अपने वर्चुअल रनवे शो में लॉन्जरी कलेक्शन को दिखाया गया था। इस शो के लिए म्यूजिकल प्रोड्यूसर ने अपने गाने डोम को इस्तेमाल किया। इस गाने में इस्लाम की हसीद है, हसीद वो बातें हैं जो पैगंबर ने कही थी। कुरान के अलावा हसीद भी इस्लामी संस्कृति के रीति रिवाजों और नियमों को बताती है जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। हसीद को एक लॉन्जरी फैशन शो में इस्तेमाल होता देख सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाराजगी जताई थी। इस पर बाद में रेहाना ने माफी मांग ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।